गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग अकेडमी। आज जैसे कि मैंने बताया था कि रिवोल्ट RV 400 बाइक बुक किया है और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। और टुडे आई विल बी टेकिंग द व्हीकल फ्रॉम कोरमंगला शोरूम विच इज़ इन बेंगलुरु। सो आई एम वेरी हैप्पी। लेट अस सी इसके बारे में क्या क्या फीचर्स है और लेट अस सी फ्रॉम द शोरूम गया ओनली। लेटर आई विल बी मेकिंग फ्यू वीडियोज रिगार्डिंग दिस। तो इसके बारे में आप बताइए, इसका जो भी कैसे ओपन होते हैं, कैसे जो भी इसके बारे में इंट्रोड्यूस करें। आपको बोलने से अभी पूरा ही लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए सभी रिमोट ही है आपका। ओके, तो लॉक किया तो आपका एंटी डेप लॉक लॉक हो जाएगा। अब पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाने के टाइम में आपका मोटर जैम हो जाएगा। ओके, एंड उसका रिलीज करने के लिए अनलॉक बटन प्रेस करना। तो अनलॉक बटन प्रेस किया तो वो एंटी डेप अनलॉक हो जाएगा। ओके, तो एंड आपको जैसे अनलॉक बटन करते ही यहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा, तो यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है, आप देख सकते हो। नाउ इट हैज बिकम स्टार्ट। ओके, इसके बाद जो इसका बैटरी सेक्शन है, इसका बैटरी ऑन कर, ऑन में बैटरी ओपन ही होता, ऑन में नहीं होता। ओके, गाड़ी आप रहता तभी ओपन होता है। यहाँ पे क्लॉक वाइज तुम्हारा लेफ्ट साइड। ओके, क्लॉक वाइज राइट साइड थोड़ा सा कर दिया। ओके, विल बी ओपन। तो ये आपका टूल किट रहेगा और ये फर्स्ट एड किट। उसके बाद क्या रहेगा इसके अंदर? ओके, बैटरी सेक्शन रहेगा। अगर आपको बैटरी निकालना हो तो सबसे पहले MCB को ऑफ करना है। MCB ऑफ करने के बाद ये रिंगलाइट ऑफ हो जाएगा। ओके, रिंगलाइट ऑफ होने के बाद ये निकालना, तो मतलब ये ऑफ होने के बाद ही निकालना। हाँ, तो ये आपको निकल जाएगा। देन इट विल बी, सो टोटल हाउ मेनी केजेस इट इज? 22 केजेस विल बी देयर। बैटरी निकालने के लिए आपको चाबी चाहिए। ओके, अगेन यू हैव टू पुट द लॉक। ओके, तो बैटरी को घुमा लेना, ये घुमा के पकड़ लेना, पकड़ना है। ओके, नाउ यू कैन टेक। सो इट इज 22 किलोमीटर केजेस ऑफ द बैटरी। इट इज नॉट इवन स्मॉल, यू कैन सी द बैटरी। एंड दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर while placing also, please remember you have to place it in quite gently. Yeah. You can't leave. Now it is done. So you have to place gently. धीरे से रखना पड़ता है आपको। बाद में then further automatic lock हो जाता है। Then you can place this. Okay. बिट बिट हो रहा है, मारता है। Now it is locked. Now you can switch on the MCV. So now it is done. So and what exactly be given in this? Screwdriver, Allen key and spanner. So L key is there and screwdriver is there and spanner is there. This spanner is useful for what? Mirror adjustment. Mirror adjustment. Okay. If I want to place anything mobile mount, where I can keep mobile mount, here I can keep. So this is one thing. So we have first aid kit and we can even place the mobile also here. Yeah. I can put the mobile. Then give your mobile and your battery. It will be locked. Push. You have to push. Okay. Now it is locked. So where is the key? Okay. Rest. You can switch on it. I'll start turning it off. Okay. I'll start off. So it is on. So there are three modes in it. One is 1, 2, and 3. And what is this T? T stands? It's the turbo mode. Turbo. So again, fourth mode is there. The turbo. If you are riding in this, okay, आपको देखने से पता चल जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा आपको। अगर टर्बो आ जाएगा, टर्बो आया तो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड नहीं, हाँ नॉर्मल मोड में चला जाएगा। ओके, बाद में रिलीज किया तो थर्ड मोड पर पुश होगा। तो ये टी में अगर पुश करेंगे तो कौन सा मोड में आ जाएगा? वो सेकंड मोड, सेकंड मोड आ जाएगा। सेकंड मोड के लिए हम फिर वापस टू कर सकते हैं ना? हाँ, वो इसमें पर्टिकुलर ये दे रहा है वो, तो डायरेक्टली टू में आने के लिए, मतलब ओवरऑल यू वांट टू गो इन इकोनॉमी मोड। ओके, इकोनॉमी मोड कह सकते हो, स्पीड आपको कम होके बाद में जहाँ पुश हो। ओके, तो आपको बोलने से अभी देख लीजिए ये गैप में जा रहा है। ओके, तो गैप के लिए आपको थोड़ा सेकंड मोड यूज़ कर। ओके, उससे क्या थोड़ा कब मिलेगा? हाँ भाई, बाद में थर्ड में मैं बाद में बूस्ट हो जाएगा। ओके, वो सिर्फ उस शिफ्ट के लिए आपको बूस्ट मिलेगा। ओके, ओवरऑल ये है कि थर्ड से भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन पावर मिलेगा। ओके, ये तो ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा और भी चेंजेस है। ओके, इसको बोलने से तो आपका हैंडल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। चेंजेस हुआ है, बाद में हैंडल चेंज हुआ है। ओके, ऐसे ये द प्लेसमेंट, द प्लेसमेंट
ये जो प्लेसमेंट है ये पीछे है कि आगे है, ये जो लेग वाला अभी मुझे आगे चाहिए तो ओके उसको अभी मतलब करना पड़ेगा। तो इसका सेंटर स्टैंड नहीं होगा, इसका सिर्फ साइड स्टैंड ही होगा। स्टैंड ही है कि मुझे मेरे कंफर्ट के हिसाब से पीछे करना आगे करना मैं कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ ओके मुझे टिल द टाइम पहले से अभी थोड़ा हाइट है ओके अब मुझे फॉरवर्ड में करके दे क्योंकि ये जो चीज़ है ना फॉरवर्ड में करके दे और यहाँ पे हम लोग गार्ड लगा सकते हैं क्या माउंटिंग नहीं ओके ना अगला सर्विस में जाओ तो प्लेस और उसका जो विड्थ साइज इंक्रीज हुआ थोड़ा और मैक्सिमम स्पीड जो रहेगा वो अभी पहले कहा कि आपको 80 स्पीड का ओके इसमें 85 का ऊपर ही जा सकता है ओके 85-90 अगर मैं 80 से चलाता हूँ तो कितना किलोमीटर जा सकता हूँ मैक्सिमम 70 किलोमीटर मैक्सिमम 70 अगर मैं हाईवे में जाऊँगा तो आई कैन ओनली गो 70 किलोमीटर नॉट मोर दैट अगर कौन सा पोजिशन में मुझे इंडिकेट शुरू कर देगा कि हाँ यू हैव लाइक 10% बैटरी 10% से कितना किलोमीटर जा सकता हूँ मैक्सिमम और 10 किलोमीटर परसेंटेज में बोलने से मैक्सिमम 10-12 किलोमीटर आई कैन ट्रैवल विद 40 स्पीड हाँ फोर्टी स्पीड भी बोल नहीं सकता आपको बोलने से 30 स्पीड ओके क्योंकि सेकेंड में आपको मिनिमम 20% नीचे आ गया तो पाओ सेविंग सो नो आई कैन आराम से 128 लिखा हुआ है यहाँ पे आई कैन ट्रैवल अप टू तेलंगा आराम से जा सकता हूँ Anything else you want to tell me? In this one, I said, warranty ka parayin ko deta. Warranty aapke aapko, battery 1 lakh kilometer, 6 years. 1 lakh kilometers or 6 years, okay. And motor and controller 75,000 kilometers, 5 years. Okay. You can pause the video later. Main jab man mat kar raha, usko pause kar raha. Pause jante ho na? Oh, nahi, wo chal raha hai, sir. Chal raha hai, jaldi dosto. And motor and controller ka parayin ko 75,000 kilometer, okay. And 5 years. Okay. Now you can pause the video. Stop कर दो. Pause. Pause करो. Pause.